स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सीहोर पहुंचे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सुबह स्कूल में डिजिटल इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा, हाईटेक लैब बच्चों के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगी। लैब में इंटरनेट कनेक्शन सहित 40 कंप्यूटर हैं। यह लैब राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड द्वारा एजुकेशन फॉर ऑल योजना के तहत प्रदान की गई है। प्रदेश में कुल 53 डिजिटल इनोवेशन लैब लगाई गई। उन्होंने कहा कि बच्चे लैब का उपयोग केवल सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके मन में आने वाले विचारों के विस्तार और सृजन के लिए उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। इस नीति को 2 करोड़ लोगों के सुझाव के बाद तैयार किया गया है। शिक्षा नीति से निष्कासित ही भारत में अपने विश्व गुरु की पहचान स्थापित करेगा। मंत्री परमार ने सुभाष स्कूल के नए भवन बताने के लिए कहा। कार्यक्रम में सीहोर विधायक सुधीश रॉय, आस्टा विधायक रघुनाथ सिंह, मालवीय जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह, ई इंजीनियर और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने भी संबोधित किया। आज इस तरह का लाभ कंप्यूटर लैब हम प्रदेश के सभी 53 स्कूलों में एक एक कंप्यूटर लैब बना रहे हैं। जिला केंद्र की जो लैब है उसमें 40 कंप्यूटर दे रहे हैं और जो संभाग केंद्र की लैब है उसको हम 100 कंप्यूटर दे रहे हैं। हम कई सारी कंपटीशन ओपन बोर्ड करता है उसके लिए भी उपयोगी हो, और क्योंकि हमने AI की पढ़ाई हमने प्रारंभ की है, एक पूर्ण विषय के रूप में प्रारंभ किया है।